हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मेरा नाम नबील है। ये है iOS 16.6 का फाइनल स्टेबल वर्जन जो एप्पल ने पुश कर दिया है आपके सभी के आईफोन्स के लिए। जो भी स्टेबल वर्जन iOS 16.5.1 या 16.5.1c जो कि उसका सिक्योरिटी रिस्पांस अपडेट था उस पे चल रहे हैं, और उससे पुराने वाले पे भी आप जो है ये डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन जिन पे आपने iOS 17 डाउनलोड इंस्टॉल किया हुआ है उनके लिए ये डायरेक्टली डाउनलोड इंस्टॉल करना पॉसिबल नहीं है। उनको अगर करना है तो उनको डाउनग्रेड करना पड़ेगा। कैसे करना है, आई बटन पे क्लिक करके वाला वीडियो डाउनग्रेड वाला देख सकते हैं। लेकिन पहले ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि iOS 16.6 में क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या नया है, क्या ये अपडेट बड़ा अपडेट है, छोटा अपडेट है, ये सब आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे अपडेट के साइज के बारे में। तो अपडेट का साइज निकल के आया है अराउंड 726.5 MB का। अगर बेटा वर्जन पे हो तो बहुत बड़ा अपडेट होता है, लेकिन यहाँ पे स्टेबल वर्जन है इसलिए बहुत ज्यादा बड़ा अपडेट नहीं है ये वाला। अपडेट से पहले मेरे आईफोन 14 प्लस में 16.5.1c चल रहा था, जो कि लेटेस्ट स्टेबल वर्जन था, और अपडेट से पहले का अवेलेबल फ्री स्पेस था 303.35 GB का। अपडेट से पहले का बिल्ड नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 20F75, और दूसरा ये सिक्योरिटी रिस्पांस वाला बिल्ड नंबर जिसको हम रिमूव भी कर सकते थे, लेकिन ये जो फाइनल स्टेबल वर्जन होता है इसको हम रिमूव नहीं कर सकते। और अपडेट के पहले का जो मॉडेम फर्मवेयर था वो था 1.70.02। अपडेट के बाद यहाँ पे 16.6 आ चुका है, थोड़ा सा 1 GB के आसपास का अपडेट जो है वो कम हो चुका है। स्टोरेज बग वगैरह है या नहीं आगे चेकआउट करेंगे। और यहाँ पे अपडेट के बाद का ये नया बिल्ड नंबर है जो है 20G75। अपडेट के बाद एक नया मोडेम फर्मवेयर भी देखने मिलेगा आपको, जो कि है 1.80.02, जो कि iOS 16.6 के बीटा वर्जन में भी हमको देखने मिला था। और यहाँ पे नेटवर्क का परफॉर्मेंस अच्छा है, उसके बारे में आगे बात करते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बहुत ही कमाल की चीज बताता हूँ। ये मेरा आईफोन है और ये एक एंड्रॉइड फोन है मेरे पास। अब यहाँ पे मैं अपने एंड्रॉइड फोन को अपने आईफोन से किस तरीके से पूरी तरीके से कंट्रोल करता हूँ आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, मेरा एंड्रॉइड फोन का पूरा जो डिस्प्ले है मेरे आईफोन पे आ चुका है, और ये मेरा 14 प्रो मैक्स है, और यहाँ पे मैं अपने एंड्रॉइड फोन को फुल कंट्रोल कर सकता हूँ अपने आईफोन से, वो भी सुपर हाई क्वालिटी में। यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीटली यहाँ पे एक लैग फ्री एक्सपीरियंस है। और जो भी मैं यहाँ पे अपने आईफोन पे अपने एंड्रॉइड फोन का ओपन करना चाहूँ, चाहे वो सेटिंग्स हो या कुछ भी हो, वो सारी चीजें मैं अपने आईफोन से ही ओपन कर सकता हूँ। बेसिकली ये एक रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है डेस्किन्स रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर। ये आपके विंडोज, मैक, एंड्रॉइड, आईफोन सबके लिए अवेलेबल होता है, और आपके फैमिली मेंबर्स, आपके पार्टनर्स, आपके टीम मेंबर्स, जिस किसी को आप रिमोट एक्सेस देना चाहते हो अपने डिवाइसेस का, वो इससे आप दे सकते हो। आपके ऑफिस मेंबर्स, आपके टीम मेंबर्स, जिसको रिमोटली कोई फाइल एक्सेस करना है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के ऊपर, वो इसका फायदा जो है बहुत ही अच्छे से उठा सकते हैं। आप कोलैबोरेट भी कर सकते हैं इससे अपने टीम मेंबर्स के साथ, और आपको आपके पीसी के गेम्स अपने आईफोन में खेलना है वो भी पॉसिबल होगा इससे। ये डेस्किन्स रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर मेरे आईफोन पे और एंड्रॉइड फोन पे, इस सॉफ्टवेयर और इस ऐप में अप टू 100 डिवाइसेस ऐड करके रख सकता हूं। फिलहाल मैंने 3 डिवाइसेस ऐड करके रखे हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने बस कनेक्ट पे टैप किया और ये अब यहाँ पे मेरे आईफोन पे मिरर कर रहा है। होम पे टैप करके मैं बाहर निकल जाता हूं, और एकदम सुपर हाई क्वालिटी में मैं अपने एंड्रॉइड को पूरी तरह से ब्राउज कर सकता हूं, और मैं अपनी फोटो गैलरी भी ओपन कर सकता हूं यहाँ पे, और अपने एंड्रॉइड फोन के फाइल्स एप्लीकेशन को भी। मैसेजेस चेक या सेंड करना है तो वो भी यहीं से हो जाएगा, और चाहे तो मैं अपने एंड्रॉइड फोन के वीडियोस अपने आईफोन पे प्ले करके व्यू कर सकता हूं। और रिमोटली आप फाइल ट्रांसफर भी कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड फोन से अपने आईफोन पे एंड वाइस वर्सा, और अपने एंड्रॉइड फोन की कोई भी फाइल को मैं अपने आईफोन से प्रिंट कमांड देके प्रिंट कर सकता हूँ। इस ऐप से आप रिमोट गेम प्ले भी कर सकते हो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के ऊपर। और अब डेस्किन्स जो है आपके मैक के लिए भी आ गया, तो फोन से आप अपने मैक को या मैक से फोन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और फोन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं जूम इन करके भी कोई फोल्डर मुझे ओपन करना है तो कर सकता हूँ, और यहाँ पे मुझे मल्टीपल ऑप्शंस देखने मिलते हैं जिसमें मैं डिस्कनेक्ट करना चाहूँ, शॉर्टकट्स ऑन ऑफ, कीबोर्ड ऑन ऑफ सब कर सकता हूँ, फाइल ट्रांसफर कर सकता हूँ, अलग अलग मोड्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ जैसे परफॉर्मेंस मोड, गेम मोड, और स्क्रीन मेरे मैक की लॉक करना है तो यहीं से मैं लॉक भी कर सकता हूँ। ये बेस्ट फ्री रिमोट डेस्कटॉप ऐप है फॉर आईफोन विद नो वाटरमार्क्स एंड नो एड्स। रिमोट कनेक्शन स्पीड भी इसकी बहुत अच्छी है, और बेस्ट फाइल ट्रांसफर स्पीड है 12 MB/s, और एडवांस सिक्योरिटी लेवल एट 256-bit एनक्रिप्शन आपको इसमें मिलेगा। ये ऐप आपको प्रोवाइड करता है एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव आईटी सपोर्ट ऑन अदर पीपल्स मोबाइल डिवाइसेस। ये मोस्ट यूजफुल ऐप है जो हर iOS यूजर के पास होना ही चाहिए, जो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं या फिर एंजॉयमेंट करना चाहते हैं। इसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब देख लेते हैं दोस्तों इस वाले अपडेट में क्या कुछ आपको नया देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो भी एप्पल ने नए नए प्रोडक्ट ऐड किया है अपने लाइनअप में उसको जो है ऐड किया है, जैसे मैकबुक एयर 15 इंचेस वाला, और जो भी एप्पल नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है उसको यहाँ पे जो है सपोर्ट दिया है कवरेज के अंदर। तो यहाँ पे सेटिंग जनरल अबाउट में आपके फोन में आप चले जाएंगे तो यहाँ पे जो भी एप्पल के प्रोडक्ट्स आपने खरीदे हुए हैं का यहाँ पे आइकन भी आपको देखने मिलेगा, जैसे यहाँ पे एयरपॉड्स वगैरह का देखने मिल रहा है। एक्चुअली ये मेरा प्राइमरी फोन नहीं है, दूसरा है मेरा प्राइमरी फोन, तो उसके अंदर जो है ज्यादा प्रोडक्ट्स आपको एडेड देखने मिलेंगे। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ एयरपॉड्स ही दिखा रहा है, लेकिन आपका अगर प्राइमरी फोन है
जिसपे आपने स्टेबल वर्जन रखा है, तो आपको वहाँ पे वो सारे नए प्रोडक्ट्स के आइकन भी देखने मिलेंगे। अगर आप अपने iCloud अकाउंट के अंदर विंडोज पीसी या लैपटॉप से लॉग इन करते हो तो वहाँ पे आपको आपके iCloud अकाउंट के लिए वेरिफिकेशन के नए मैसेजेस देखने मिल सकते हैं जब आप लॉग इन करते हैं विंडोज से, ताकि वो आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सके। ये भी एक चीज न्यू है इस अपडेट के अंदर। होम एप्लीकेशन अगर आप इस्तेमाल करते हो, एप्पल होम के डिवाइसेज आपके पास या होम पॉड वगैरह है, तो यहाँ पे आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए ये फोर्स कर सकता है अगर आपके पास नए कैमराज वगैरह है तो ये चीज का भी आप लोग ध्यान रखना। अगर आप एप्पल होम से कंपेटेबल कैमराज यूज करते हो, सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी कैमरा, तो आपके लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी हो सकता है इसमें। और होम एप्लीकेशन में ही मैटर एक्सेसरीज, इंडिया में तो शायद ही कोई यूज करता होगा, उसके लिए भी थोड़े वर्डिंग चेंजेस वगैरह दिए गए हैं। अब ये थे विजुअल चेंजेस, लेकिन बहुत सारे चेंजेस कोड में भी होते हैं, और कोड में कुछ चेंजेस है इस वाले अपडेट के अंदर, जैसे सीरी सेटअप फॉर एजुकेशन करके एक चीज है, वो आगे हमको देखने मिलेगी। अभी फिलहाल इसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं है। और कॉन्टैक्ट की वेरिफिकेशन करके एक ऑप्शन आया था iOS 16.6 में इनिशियली, लेकिन अभी वो यहाँ से गायब हो चुका है। तो अगर हम यहाँ पे सर्च करें कॉन्टैक्ट की वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे आपको वो चीज देखने नहीं मिलेगी। देखिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कॉन्टैक्ट की, तो नहीं देखने मिलेगा। पहले आया था, वो बीटा वर्जन में था, टेस्ट करता एप्पल, शायद iOS 17 के बाद उसको लॉन्च करे। लेकिन कॉन्टैक्ट की वेरिफिकेशन क्या होता है, अच्छी चीज है। अभी जैसे मेरे पास एक एप्पल आईडी है, बहुत सारे आईफोन्स है, अब मेरा ऑफिस बॉय या कोई भी बंदा जो है इस फोन से मेरे किसी फैमिली मेंबर से या किसी से चैट कर सकता है नबील बनके, तो वहां पे अगर आई मैसेज का इस्तेमाल वो कर रहा है किसी और फोन से जो मेरा प्राइमरी फोन नहीं है, तो सामने वाले को वो पता चल जाएगा और वहां पे वो कॉन्टैक्ट की वेरीफाई करने के लिए उसको बोल पाएगा, जो कि वो नहीं कर पाएगा जस्ट बिकॉज उसने मेरे आईफोन को एक्सेस किया। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास मेरी कॉन्टैक्ट की भी हो। इस वाले अपडेट में और कुछ नया नहीं है, बेसिकली यही सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें कुछ बग फिक्सेस वगैरह है उसके बारे में बता देता हूं। होम और मैटर एक्सेसरी, जो ये होम एप्लीकेशन मैंने आपको बताया, इसमें होम से रिलेटेड और मैटर एक्सेसरी से रिलेटेड कुछ बग फिक्सेस है। यहां पे कुछ जो अलग अलग चीजें होती है, अलग अलग एक्सेसरीज होती है, वो कनेक्ट करने में पेयर करने में प्रॉब्लम आती है, उसको एप्पल ने फिक्स किया है। लेकिन इसके अलावा कोई और बग के बारे में यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, जनरली करता है लेकिन इस बार नहीं किया है। थोड़ी अजीब सी बात है, मे बी और ज्यादा बग्स उनको नहीं मिले होंगे, लेकिन कुछ बग्स ऐसे हैं जो एप्पल ने अभी तक फिक्स नहीं किया है। फॉर एग्जांपल ये नोटिफिकेशन का बग, यहाँ पे देख सकते हैं कितना गंदा सा लगता है ये नोटिफिकेशन जो है, कभी कभी झटके से खुलता है, कभी स्मूथली खुलता है, तो ये बग अभी तक फिक्स नहीं किया है। और यहाँ पे कुछ स्टोरेज का बग है या नहीं, ये भी हम चेकआउट कर लेते हैं तो हमको पता चलेगा कि बग है या फिर नहीं है। तो आईफोन स्टोरेज में चले जाते हैं और यहाँ पे इसको कैलकुलेट होने देते हैं, कैलकुलेट इंस्टेंटली हो गया, ज्यादा टाइम इसने लगाया नहीं। नीचे चलते सबसे और यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे सिस्टम डेटा देख सकते हैं आप, सिर्फ 1.33 GB का, क्योंकि फोन ज्यादा मैं यूज नहीं करता, जो मेरा पर्सनल यूज का फोन है उसमें ज्यादा रहेगा 10-12-13 GB, लेकिन ठीक है उतना नॉर्मल है। और यहाँ पे कोई एक्सेसिव स्टोरेज इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और स्टोरेज बग भी नहीं है, ये आप मान के चल सकते हैं। सिक्योरिटी फिक्सेस की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली सिक्योरिटी फिक्सेस, सिक्योरिटी अपडेट जो है ये होती है। आप अगर इसका जो डाउनलोड और इंस्टॉल वाला पेज देख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखा होता है साफ तौर पे कि इंपॉर्टेंट बग फिक्सेस और सिक्योरिटी अपडेट जो है एप्पल पुश कर रहा है इस अपडेट के जरिए और रिकमेंडेड है फॉर ऑल यूजर्स। लेकिन हमेशा रिकमेंडेड हर चीज नहीं होती है, एप्पल तो अच्छा बोल के ही हमारे फोन पे भेजता है, कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है, तो उसका भी ध्यान रखना होता है, इसलिए हम ये वीडियोस बनाते हैं। अदरवाइज क्या ही था, इसमें डाउनलोड इंस्टॉल पे दबा देते आप और फिर डाउनलोड इंस्टॉल हो जाता, लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं, कुछ गड़बड़ भी होती है, इसलिए वीडियोस देखना भी जरूरी होता है। अब नेटवर्क से रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि ये भले ही अपडेट आ जाई हो, लेकिन मैं अपने iOS 16.6 बीटा वर्जन पे चलने वाले आईफोन पे, जो कि अगेन एक आईफोन 14 प्लस है ब्लू कलर वाला, उस पर मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूं, नेटवर्क रिलेटेड कोई इशू नहीं आएगा, वाईफाई, ब्लूटूथ, एयरड्रॉप, सारी चीजें, पर्सनल हॉटस्पॉट भी आपका सही से काम करेगा, मोबाइल डेटा भी सही से आपका काम करेगा, इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और रही बात बैटरी की, तो देखिए यहाँ पे बैटरी लाइफ के बारे में तो बोला नहीं जा सकता, फिर भी जो i16.6 के बीटास है उसमें काफी कूल चल रहा है फोन, ओवरहीटिंग वगैरह नहीं है, तो बैटरी लाइफ आपको अच्छी ही एक्सपेक्टेड, और iOS 17 के मुकाबले तो काफी अच्छी बैटरी लाइफ है। 100% बैटरी हेल्थ है तो 100% ही रहेगी, 90% है तो 90% रहेगी, लेकिन अगर सच में गिर चुकी है तो रिकैलिब्रेट होके गिर भी सकती है, इस बात का भी ध्यान रखना। iOS अपडेट के साथ ये चीज हो सकती है, लेकिन अपडेट की वजह से नहीं। ओवरऑल जनरल परफॉर्मेंस दोस्तों अच्छा है इस अपडेट का, कोई इशू आपको नहीं आना चाहिए, ऐप क्रैशिंग वगैरह आपको फेस करने नहीं मिलनी चाहिए जब तक कि ऐप की तरफ से कोई प्रॉब्लम ना हो। और रही बात यहाँ पे बेंचमार्क की, तो वो चेक कर लेते हैं, एप्पल ने परफॉर्मेंस घटाया है या बढ़ाया है। सीपीयू स्कोर सबसे पहले हम देखेंगे, 13 जुलाई पुराना जो मैंने स्कोर चेक किया था वो था 1738-4596 और आज का है 1746-4620, तो यहाँ पे 19-20 का फर्क है, ऑन द हायर साइड ही है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जीपीयू स्कोर भी देख लेते हैं, गेमर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, 12,445 था पहले का स्कोर और आज का है 12,788, तो ये भी जो है पॉजिटिव के तरफ ही जा रहा है, तो यहाँ पे आप लोग खुश रहिए 13,000 के ऊपर, लेकिन शायद 14 प्लस पे कभी ना जाए, वो एक ही बार गया था। दोस्तों क्या आपको iOS 16.6 इंस्टॉल करना चाहिए? अगर आप 16.5.1 से परेशान हो, कोई इशू आपको आ रहा था, तो ये कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि फाइनल स्टेबल वर्जन ही है और काफी टाइम से इसका बेटा मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, तो कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं आई, तो आपके लिए भी यहां पे ग्रीन सिग्नल ही है मेरी तरफ से फिलहाल तो। लेकिन आप रुकना चाहते हैं आगे कुछ दिन तो रुक भी सकते हैं, लेकिन करें तो भी कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद दोस्तों iPad OS 16.6 भी एप्पल ने रिलीज किया है और इसमें भी
कुछ खास नहीं है जो आईफोन के लिए था iOS में था वही इसके लिए भी आपको देखने मिलेगा। और यहाँ पे वॉच ओएस भी एप्पल ने 9 और इसी तरह यहाँ पे एप्पल ने वॉच ओएस 9.6 भी पुश किया है विद इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी अपडेट्स और इंपॉर्टेंट बग फिक्सेस। तो इसमें भी नया खास कोई फीचर यहाँ पे ऐड करके नहीं दिया हुआ। iOS 17 बेटा 4 और iOS 16.7 बेटा 1 जो है इस वीक में या नेक्स्ट वीक में रिलीज एप्पल कर सकता है, ज्यादा करके नेक्स्ट वीक में करेगा। तो ये अपडेट भी जो है बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। इसका इंतजार जो लोग कर रहे हैं वो लोग मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि आप इसके लिए वेट करें या नहीं करें, तो हमको पता भी चलता है कि कितने लोग iOS 17 पे चले, कितने लोग iOS 16 पे। तो ये थी कहानी दोस्तों iOS 16.6 की। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है डेस्क इन का लिंक, आप चाहे तो वहां से उसको चेकआउट कर सकते हैं, काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।